Da kaktin Hindi, kren uba banjop ha gajingalang patba, jong ka party NPP, da ka bakkento, baka party WPP, kadika seng kabalet Donbor, kabam snap lem yakiweki party, parabay seng san perte, hapo laga jong gajalam, ula kantoru, wat eka seng congress, baka deka seng, kabalet jandujat sendon, nakaneka sla, jong ka perte, tongin snap kumno uteyudan ban kren. लेकिन लोकसभा में जाएगा कैसा हिंदी भाषा में बात करेगा तो क्या से बात करेगा। लेकिन जब उस लोग का कैंडिडेट उधर डीसी ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल करने गया बोलता है वी आर नॉट अगेंस्ट हिंदी, हम लोग हिंदी का अगेंस्ट नहीं है। तो हम लोग जनता लोग पूछने मांगता है जीपीपी पार्टी को क्यों प्रेसिडेंट अलग बात कर रहा है, कैंडिडेट अलग बात कर रहा है, क्यों एक साथ नहीं है? क्योंकि वो डिक्टेटर पार्टी है। डिक्टेटर पार्टी आप लोग मालूम है, उन लोग का 4 एमएलए है लेकिन सब तीनों एमएलए मुख बंद, खाली प्रेसिडेंट सब पूरा मेघालय में घूम रहा है। तो इसलिए आप लोग इस बार जितना हम लोग का नॉन ट्राइबल वोटर्स है आप लोग ख्याल कीजिए, ये कि नहीं आप लोग बुझे कांग्रेस पार्टी का जाएगा नेशनल पार्टी है। आप लोग तो मालूम है कांग्रेस पार्टी का झाग खाली मेघालय में नहीं डूबा, पूरा भारत में डूब गया, बात पूरा भारत में डूब गया कांग्रेस का झाग। इसलिए आप लोग गलती मत कीजिए, एनडीए गवर्नमेंट सरकार बनाएगा इस बार दिल्ली में और हम लोग का एनपीपी गठबंधन में होगा। और अगर एम्प्रीन मैडम को सही बहुमत से बड़ा मार्जिन से जिताएगा वो कैबिनेट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी बनेगा अगर मैं दिल्ली में। तो हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। मैं अपने स्पीच में अपने लेक्चर में आप कहीं भी देख लीजिए मैं कभी भी किसी को छोटा और नीचे देखा अगर मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसे पॉलिटिक्स में विश्वास करता ही नहीं हूं। मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास करता हूं, अच्छे काम में विश्वास करता हूं, अच्छी सोच में मैं विश्वास करता हूं। और इसलिए मेरा आप सबसे यही आप सबको यही एक आग्रह है जो हमारे कांग्रेस पार्टी के और अलग अलग जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं कि दोस्तों इस बार अपना वोट नष्ट मत करिए।